अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि लिट्टीपाड़ा में पराजय से आत्मचिंतन और समीक्षा करने की आवश्यकता है। सीएम अर्जुन मुंडा यहां सोमवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कुलभूषण जाधव के मामले पर कहा कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा लिट्टीपाड़ा उपचुनाव में पराजय पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर समीक्षा करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान क्यों इस तरह का स्पेशल कोर्ट या मार्शल कोर्ट या उसका जो जो डिफेंस कोर्ट है उसके माध्यम से इस तरह का क्यों ये कर रहा है? मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है, कुछ विशेषज्ञों की भी राय है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ने के वजह से अब इस तरह के हरकतों पर उतर आया है। लिट्टीपाड़ा कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव में हारना जीतना तो लगे रहता है, पर निश्चित रूप से जब कोई चुनाव हारता है तो उस पर विचार करना कि उसके पीछे में क्या क्या कारण रहे और उसकी समीक्षा जो सांगठनिक दृष्टि से जिम्मेदारी है वो समीक्षा करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि कुछ विषय इस तरह के रहे जिसका जवाब देना कठिन हो रहा था। सीएनटी वाला एक्ट नहीं लग रहा है कि आगे भी चुनाव में परेशान करेगा? ये सारा विषय कहीं ना कहीं सवाल के रूप में उभर रहा है या उभरा है। इसका संतोषजनक हल निकालना बहुत जरूरी है। देखिए, उसके लिए मैं समझता हूँ कि पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से सारी बातें आ गई है, अब उसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। झारखंड सरकार पर क्या कहना चाहेंगे? झारखंड सरकार, तमाम झारखंड सरकार पर क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार से ही पूछिए तो बेहतर होगा, क्योंकि सरकार की बात सरकार को ही कहना चाहिए। छुटभैया गुंडों से पीड़ित मालवाहक टेम्पो चालकों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है। छुटभैया गुंडों से पीड़ित मालवाहक टेम्पो चालकों का कहना है कि गुंडा तत्व उनसे छिनतई करते हैं और सामान लूट लेते हैं, जिससे उन्हें भरपाई करनी पड़ती है। वहाँ ये सारे मालवाहक टेम्पो चलता है और बीते दिन हम लोग को टेम्पो से माल छीन लिया जाता है और विरोध करने पर टेम्पो चालक को और उसके खलासी को मारा जाता है, धमकाया जाता है और फिर उसका दंड हम लोग को भरना पड़ता है। उसका जिम्मेवारी जवाबदेही कोई नहीं लेना चाहता है, न सेट लेना चाहता है, न प्रशासन लेना चाहती है। इसलिए हम लोग यहाँ आ गए हैं, एसपी महोदय से मिलने आए हैं कि हम लोग को बचाव किया जाए, हम लोग को प्राण की रक्षा किया जाए और माल जो लूट हो रहा है उसका भरपाई प्रशासन करे या जो सेठ माल भेजते हैं वो। किसके द्वारा छीना जाता आप लोग का माल? ये हम लोग का अज्ञात लोगों का, माने लुटेरों के द्वारा छीना जाता है माल हम लोग को। एल टाउन मोल के पास सोमवार की सुबह स्कूली वैन पलट जाने से उसमें सवार आधा दर्जन बच्चे चोटिल हुए हैं। एल टाउन मोल के पास सोमवार की सुबह स्कूली वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। वैन में करीब 15 बच्चे थे जो शिक्षा निकेतन के छात्र हैं। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 6 बच्चों को प्राथमिक उपचार कर छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि वैन चालक काफी तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था, इस वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। पेरेंट्स लोग आया लेकर चले गए। वैन में कितना बच्चा था? 15-16 बच्चा था। कहाँ पे हुआ पहले? ये यहाँ पे एल्टा मोर में ट्रेंडिंग में। बच्चे लोग इलाज के लिए कहाँ ले गए? पेरेंट्स आकर लेकर चले गए। कौन स्कूल का था बच्चा? शिक्षा निकेतन स्कूल। 2 फरवरी 1989 को शहर में हुए तिहरे हत्याकांड में नामजद आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन को लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने बरी कर दिया है। मालूम हो कि 2 फरवरी 1989 को बिस्टुपुर पावर हाउस गेट के पास जनार्दन चौबे आनंद राव और प्रदीप मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस तिहरे हत्याकांड के अधिकांश गवाहों की मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने इस हत्याकांड के आरोपी रामा सिंह, कल्लू सिंह को पहले ही रिहा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल से बिहार के सिवान में 4 बार सांसद
और दो बार विधायक रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमशेदपुर में एडीजेएम अजीत कुमार सिंह की अदालत में शहाबुद्दीन को पेश किया गया, जहां साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। इस तरह 25 वर्ष पुराने इस हत्याकांड का पटाक्षेप हो गया। ये केस 2 फरवरी 1989 का था और घटनास्थल था आपको बिष्टुपुर पावर जुगसलाई पावर हाउस के सामने, जुगसलाई थाना के अंतर्गत आता था। क्या हुआ था उसमें उस दिन? क्या हुआ था उसी दिन? हुआ था कि उनका जो फायरिंग वगैरह हुआ खबर मिला, जिसमें ब्रह्मदेव जो है पाठक जी वो इसमें इम्पोर्टेंट बने, जो प्रदीप मिश्रा जी के बॉडीगार्ड थे उनके द्वारा था। उस दिन किसी का नाम नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन में बाद में धीरे धीरे सबका नाम आया, जिसमें शहाबुद्दीन जी का भी नाम आया, लेकिन साक्ष्य के अभाव में सभी बरी पहले हो चुके थे 2006 में ही, जिसमें पारसनाथ सिंह बरी हो चुके थे, सुशील कुमार सिंह बरी हो गए थे, रामा सिंह एलियस रामकिशोर सिंह, दिलीप कुमार सिंह एलियस कल्लू सिंह, उसके बाद शहाबुद्दीन साहब जो है उनका चूंकि वो दूसरे केस में जेल में रह गए इतना दिन, इसीलिए वो प्रोड्यूस नहीं हो सके और अभी आज तिहाड़ जेल से उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रोड्यूस करके उनका पक्ष में मतलब जजमेंट हुआ। रामदास भट्टा सामुदायिक केंद्र के पास रविवार को पेड़ गिरने से बिजली की तार टूटकर सड़क पर गिर गई। रामदास भट्टा सामुदायिक केंद्र काफी व्यस्त रहता है, यहाँ बच्चे तो खेलते ही हैं, सिलाई कढ़ाई एवं कई वोकेशनल कोर्स करने महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। गनीमत रही कि रविवार को तार गिरी, यदि दूसरे दिन होता तो काफी लोग इस तार की चपेट में आ सकते थे। सूचना मिलने पर सोमवार को कर्मचारी पहुंचे और पोल और तार को दुरुस्त करने में जुट गए। एक बिजली कर्मी बिना किसी सेफ्टी बेल्ट का पोल के ऊपर चढ़कर काम करने लगा। 9431372725 तार गिरा और कितने देर से गिरा? देखिए यहाँ ये पेड़ गिर गया था दारू भट्टी रामदास भट्टा के बगल में और पेड़ सीधा वायर पर गिरा है और वायर कल से टूट के पड़ी हुई। ये रामदास भट्टा सेंटर है जिसमें डेली बच्चे सुबह घूमने आते हैं और यहाँ पर क्लासेस चलती है बहुत सारी, लेकिन कल संडे था, कल ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, बच गया और आज मंडे है, आज उनको जानकारी हुआ तो आज तार बदल रहे हैं और पेड़ को छाट के गिराए। सोमवार है, अगर यही ये कल की जगह आज होता तो आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता।